मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल। हेलो, ये आज मैं एक नई वाली ब्रोकली लाए हूँ, नई टाइप की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। समय हो चुका है सुबह 9 बजे, तो चलो शुरू करते हैं। नहाते हैं, होते हैं रेडी और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। हाँ जी, हो चुके हैं तैयार, पी रहे हैं चाय। आज ना सुबह सुबह लैंडलॉर्ड आंटी का फोन आ गया था। आज यहाँ वो चल रही है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो छत धुल रहे हैं ऊपर का, जो याने बोलते हैं जापानीज में। तो कह रही है सारी खिड़की उखड़ी बंद कर ले, नहीं तो कबाड़ चला जाएगा अंदर। और उसने फिर फोन किया था, फोन मैंने उठाया नहीं, फिर दरवाजे पे आ गए। तो सब सेट हो गया, बाहर हो रही तगड़ी बारिश आज, इसलिए हमने कर दिया जैकेट वैकेट। आज ठंड भी बहुत है, तो निकलते हैं पैक होके ऑफिस के लिए। भाई बाहर निकल रहा था, सीन देखो इधर क्या हो रहा। बारिश लेकिन हम पे छाता है। चलो मैन में ना कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है, अगर इस घर में हो रहा है ना तो पूरा घर कवर हो जाएगा इस जाली से, ताकि डस्ट और कोई कुछ भी बाहर में पड़े, बगल वाले घर वालों को दिक्कत ना हो, पूरा घर कवर करता है। भाई निकल चुका हूँ घर से, बारिश काफी तगड़ी हो रही है। और जापान की बारिश ना ऐसे तिरछी सी आती है, तुम पे छाता हो ना हो भीगना जरूर है। मतलब हवा भी चलती है ना बारिश के साथ, जैसे इंडिया में स्ट्रेट होती है, लेकिन जापान में हवा भी चलती है, तो भीगते ही भीगते हैं, सर बजता है बस इसमें छाते। और मैं ना, मेरे को ना रेन बूट्स पसंद नहीं है, तो मैं पहनता हूँ ये जॉर्डन्स। और मेरे ऑफिस वाले हमेशा बोलते हैं अभी तो बारिश में जॉर्डन पहन रहा, महंगे नहीं है। मैं कहता तुम्हें क्या पता हम कितने रिच। रिच नहीं है ये, वाटर प्रूफ जॉर्डन है। कल मैंने ऑक्शन में ये वाली मिनी कूपर देखी, और बताओ कितने की होगी। ये लगी थी 35 मान की, 35 मान की 2-2.5 लाख रुपये में मिनी कूपर लगी थी वहाँ ऑक्शन में। भाई अभी अभी दिव्या का मेल आ गया, आज फिर से नहीं आएगी, बताओ बीमार है। कल वाली वीडियो में किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट कर रखा था, कोई एलेक्स करके, थैंक यू एलेक्स, इट मोटिवेट्स मी। हाँ मैं तुमको पिछली वीडियोस में बताया था ना, ये बंदा हमेशा होता है यहाँ पे, बारिश हो कुछ हो तूफान हो। देखो भाई काम तो इम्पोर्टेंट है, देख रहे रेनकोट पहना, ठंड बहुत हो रही है लेकिन लगा है बेचारा। पहुँच चुके हैं, आज मैंने एक नई सीख को ककाओ टी लिया, देखते हैं कैसी होती है। करते थोड़ी देर काम, काशी हो रही है, और मिलते हैं शाम को, सी यू लेटर।
आज हो गया काम खत्म, फ्राइडे नाइट। थोड़ी सी सब्जी लेनी है, थोड़ी मतलब थोड़ा स्टॉक लेना है, तो जा रहे हैं अभी जहाँ पिछली बार गए थे। मैं मौकी है साथ में। हाउ इज योर डे? सो टायर्ड। या सो वी हैव वर्क ऑन दिस वीकेंड टू, सो यप वी आर टायर्ड। सो चलो चलते हैं भिंडी बाजार, दिखा दें तुमको सब्जियाँ सस्ती। हाउ मच इज इट? 138. हाँ जी, पहुंच गया हूँ अपने स्टेशन। इतनी सारी सब्जी लेके आ गया हूँ, आएगा मजा। आज बनाएंगे कुछ तगड़ा सा घर में। युका तो नहीं आ रही, मैं बबलू और मधु है। प्रिंकल की नाइट शिफ्ट है आज, चलो बनाते हैं कुछ क्रेजी। पहुंच गए हैं घर। सब्जी कैसा था? अच्छा था। क्या अच्छा था? काम कैसा था? अच्छा था। ठीक है, चलो खाना बनाओ, सब्जी लाई हूँ। सब्जी आई है, आई है सब्जी आई। चलो तो बनाते हैं जी सब्जी, आज कुछ बनाते हैं बड़े सामान लेके। क्या लाए वो? बियर लेके आ रहा है। देखो इसका सीन, अब पेड़ देखो इसका, बबलू का पेड़ देखो सर। चलो ये आज मैं एक नई वाली ब्रोकली लाए हूँ, नई टाइप की, पता नहीं क्या बोलते हैं इसका, कुछ तो बोलते हैं लेकिन है तगड़ी, राउंड नहीं लग रही, ड्रैगन टाइप की। आज नहीं खाएंगे इसको, कल बनाएंगे। डिनर हो चुका है रेडी। ये देखो आज मधु ने बनाया है चीला, बहुत टेस्टी हो रहा है। और फिर करते हैं थोड़े से गेम खेलते हैं, फिर सो जाएंगे। कल मेरे को ऑफिस जाना है, कल सैटरडे है लेकिन जाना पड़ेगा। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा क्यों जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।